जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट के बाद जनरल कंपटीशन में क्या भविष्य है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ और सारे जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बारीकी तरीके से दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए मैंने आज का टॉपिक बनाया है कि इंटरमीडिएट के बाद जनरल कंपटीशन में क्या भविष्य है उसके बारे में। देखिए जनरल कंपटीशन में आपका क्या भविष्य है, यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद आप आराम से ग्रेजुएशन में नाम एडमिशन करवा लीजिए, चाहे आप बीए में या बीएससी या फिर आप बीकॉम, इन तीनों में से किसी में आप नाम एडमिशन करवा सकते हैं और जनरल कंपटीशन के पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी आप अपने अनुसार से कीजिए, आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छे कर पाऊंगा तो उसी क्षेत्र को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप यदि चाहते हैं कि मैं रेलवे में जाऊंगा तो यह ट्वेल्थ के बाद भी इसका बहुत सारे फॉर्म निकलता है और ग्रेजुएशन के बाद भी निकलता है। फिर आपका है बैंकिंग के क्षेत्र में आपको जाना है तो आप बैंक पीओ क्लर्क वगैरह का भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि हम एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएससी की भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसएससी में भी आपका एमटीएस हो गया जो मैट्रिक लेवल पर आता है, फिर आपका इंटर लेवल पर आता है, फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल वगैरह भी आता है, फिर आप यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्म आप फिलअप तब कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हो चुके रहिएगा, तो आप अभी से ही तैयारी को कर सकते हैं। फिर स्टेट एग्जाम भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बिहार सरकार भी बहुत सारे निकालती है फॉर्म को, यूपी सरकार भी निकालती है, हरियाणा सरकार भी निकालती है, तो इस तरीके से आपका होता है। जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, आपका बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से एग्जाम को लेती है। अब बात करते हैं हम आपको कि इन सभी चीज़ की तैयारी करने के लिए कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। इन सब के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सब एग्जाम के लिए कॉमन सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, फिर है आपका रीजनिंग, फिर है आपका जीके जीएस, फिर है करेंट अफेयर्स, फिर है आपका इंग्लिश और कुछ एग्जाम है जहाँ पर हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप फिलहाल इसको और इसको और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इन सब को यानी कि जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी को शुरू किए हैं तो आप हिंदी इंग्लिश और करेंट अफेयर्स को अभी छोड़ दें। अभी फिलहाल आप सबसे ज़्यादा फोकस करें मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस पर, और आप चाहते हैं कि मुझे बिहार दरोगा निकालना है, बिहार पुलिस निकालना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए जीके जीएस पर, सबसे ज़्यादा आप जीके जीएस पर मेहनत कीजिए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीके जीएस की तैयारी आप किस तरीके से कीजिएगा, मैथ्स वगैरह का भी तैयारी कैसे की जाए, किस बुक को परचेज करें, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।